क्या क्या होता है प्रेडोमिनेंट सॉर्टिंग में। देखिए, किसी भी वैल्यू को अगर हमें सॉर्ट करना होता है, बेसिक से बता रहा हूँ, सॉर्ट करना होता है तो हम ये होम टैब में जाके यहाँ फिल्टर एंड ये सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, इसको यूज करते हैं। किसी भी वैल्यू को सॉर्ट करने के लिए जिस कॉलम से आपको सॉर्ट करना है आप उस पर क्लिक कीजिए और सॉर्ट फिल्टर में जाके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट असेंडिंग डिसेंडिंग में उसको सॉर्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपका सारा डेटा इसके साथ का सॉर्ट होगा। बट इसमें क्या चीज़ होती है कि मान लीजिए ये ऑप्शन कब अब वर्क करता है कि मेरे को सिलेक्शन की जरूरत नहीं है और ये सॉर्ट कर दे रहा है अपने आप। जब तक आपका डाटा कनेक्टेड रहता है आप अपने डाटा पे कहीं भी क्लिक करें और कंट्रोल ए करें, अगर आपका फुल डाटा सिलेक्ट हो रहा है तो मतलब आपका सॉर्ट एंड फिल्टर वहां तक इफेक्ट करने वाला है। ठीक है जी। ठीक है। किस केस में नहीं होता ये? जब मान लीजिए आपकी कोई रो खाली है, मान लीजिए एक खाली कर देता हूँ, यहाँ तक तो चलेगा जब वो डेटा से एक भी पॉइंट पे कनेक्टेड रहेगी। जब एक भी पॉइंट कनेक्टेड नहीं रहेगा, मान लीजिए ये भी यहाँ नहीं है, तो अब ये जो मेरा कंट्रोल ए है वो इसी में वर्क करेगा खाली, क्योंकि यहाँ से ये डेटा ब्रेक हो गया। इधर अगर मैं करूँगा तो ये बाकी का नीचे का लेगा, तो ये रो बीच की कनेक्टेड नहीं रही, तो जो सॉर्ट एंड फिल्टर वर्क करेगा वो सिर्फ इतने पे करेगा। अगर मैं यहाँ से जाके करूँ तो सिर्फ इतना ही डेटा मेरा सॉर्ट होगा, अदरवाइज और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। सिर्फ इसी पे वर्क करेगा। ठीक है। मान लीजिए आपके पास ऐसी काफी सारी रोज खाली हैं, कई बार आपके पास ऐसा डेटा आता होगा जहाँ बीच में है, उसको फॉर्मेट करके ठीक, पहले आपको इनको ठीक फॉर्मेटिंग करनी होगी इनकी, कि बीच में कहीं भी ब्लैंक रोज ना हो। कई बार अगर आप किसी सॉफ्टवेयर से डेटा निकाल रही हैं तो कई जगह में क्या होता है, लोग इस तरह से कर देते हैं और जिसमें पता नहीं पड़ता कि कुछ छुपा हुआ है अंदर, या तो हाइड कर देते हैं या इस तरह से कर देते हैं। तो इन सब के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सारा का सारा सिलेक्ट कर लीजिए और इनके विड्थ को एक बार छेड़ दीजिए सिलेक्शन के बाद। तो क्या होगा, जो भी हमने ऊपर नीचे की थी उनकी भी विड्थ एक कॉमन हो जाएगी। इसी तरह कॉलम के लिए है, अगर कोई कॉलम में ऐसे छुपा हुआ है तो एक बार जो विड्थ या हाइट है उसकी एक बार छेड़ दीजिए, आगे पीछे करके छोड़ दीजिए। ठीक है जी। तो जो भी इनविजिबल सेल्स होंगी वो आपको विजिबल हो जाएंगी, पहली चीज। दूसरा, आप बात करते हैं कि इनको कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आप इनको हटाना भी नहीं चाहती फिर भी काम करना चाहती हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस केस में ही हमें सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो अब क्या है कि इसकी रेंज जो है पूरी हो गई है फुल डेटा में। अगर मैं कुछ भी इसमें सॉर्ट करता हूं तो ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब ब्लैंक वाली वैल्यू सबसे नीचे चली जाएंगी या सबसे ऊपर आ जाएंगी, इस तरह से हो जाए। ठीक है जी। ठीक है। पर मान लीजिए आप सॉर्ट नहीं करना चाहती हैं, आपको रिमूव करना है, तो फिल्टर में जाके इनको रिमूव किया जा सकता है। सारे पे हमने सिलेक्ट कर रखा है, अपना एक फिल्टर लगा दीजिए इस पे, डेटा को पूरा सिलेक्ट करने के बाद। अब इस पे आप जो फिल्टर अप्लाई करती हैं वो अप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी। फिल्टर आ गया। मुझे क्या करना है इसमें, यहाँ से हटा के ब्लैंक्स चूज कर लेने। जब होल लाइन ब्लैंक है तो ब्लैंक, तो आप ये देख रही होंगी यहाँ नीला नीला आ रहा है ना, तो ये इफेक्टेड एरिया है, जी तो इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट करना है। पर ऐसे डायरेक्टली नहीं डिलीट करना है, अगर आप ऐसे डिलीट करेंगे तो हो सकता है पीछे का भी डेटा कई बार डिलीट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें अपने को जाना होता है इसमें फाइंड एंड सिलेक्ट में, गो टू स्पेशल में, विजिबल सेल्स ओनली। ठीक है जी। गो टू स्पेशल किस लिए होता है, सिलेक्शन बनाने के लिए होता है। तो ये उसको सिलेक्शन अच्छा। बना लेगा जो विजिबल होगी, अगर पीछे वाली अगर उसने सिलेक्ट भी कर रखी होगी तो छोड़ देगा उसे। अब हम राइट क्लिक करके डिलीट रो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारी रो इसमें से गायब हो जाएंगी।
अब कोई भी ब्लैंक रो नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये तो एक मेथड था कि जैसे हमें डेटा को कैसे यूज करना है। बाकी चलते हैं फिल्टर पे। फिल्टर में क्या होता है, जिस पे क्लिक करेंगी जिस कॉलम पे और सॉर्ट का बटन दबाएंगे तो वो कॉलम सॉर्ट हो जाएगा बाकी आपका डेटा भी इसके साथ। अगर आप ये नहीं चाहते कि ये अपना जो है, आप चाहते हैं कि ये खाली अकेला सॉर्ट होना चाहिए, इसके साथ का कुछ भी ना हो, उस केस में क्या करना होता है, आपको सिलेक्शन करना होता है। आप सिर्फ उतना ही डेटा सिलेक्ट करेंगे जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो इस पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैं सॉर्ट करता हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है एक्सपैंड द सिलेक्शन, कह रहा है कि आगे और भी डेटा है, सिलेक्शन एक्सपैंड कर दूं। मैं कहता हूँ नहीं, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। तो सॉर्ट करता हूँ तो इसमें डेटा सॉर्ट हो गया, ठीक है जी, बाकी को नहीं छेड़ा होता, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये तो नहीं, सिंगल सॉर्टिंग कैसे करते हैं। अब इसमें आपको लेवल वाइज सॉर्टिंग करनी है, ठीक है जी। अब जैसे एक और कॉलम मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ इसमें, ताकि मैं ज्यादा लेवल ऐड कर सकूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ यहाँ से कस्टम सॉर्ट पे। तो पहले मैं कहता हूँ इससे पहले करे ये नेम से सॉर्टिंग, मैंने यहाँ पे नेम सिलेक्ट कर लिया। देन किस बेस पे सॉर्ट करना है, वैल्यू के बेस पे। देन क्या करना है, A to Z, पहला जो सॉर्टिंग होगी वो नेम के बेस पे होगी। उसके बाद जो सॉर्टिंग होगी वो होगी सिटी के बेस पे, ठीक है जी। ओके करता हूँ। तो एड लेवल करके कितने भी आप लेवल बना सकते हैं, up to 64 लेवल तक आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, 64 कॉलम तक कर सकते हैं सॉर्टिंग, 64 लेवल तक, उससे ज्यादा नहीं। कोई भी ठीक लेवल डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इनमें से अप डाउन करना है तो ये आपके कर्जर है, इसको इसकी प्रायोरिटी अप करनी है कि इसकी डाउन करनी है, यहाँ से, ठीक है जी। तो नेम और सिटी के बेस पे करना है, तो मैंने देखा कि नाम के बेस पे हो गया। देन फिर सिटी पे हरीश, हरीश ही चल रहा है, दिल्ली, फरीदाबाद, अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग हो गई, ठीक है जी। तो ये खत्म हो जाएगा, फिर ये है, दिल्ली से चालू होगा। तो यही है हमारा कस्टम सॉर्ट जो है। अब इसमें एक और ऐड करता हूँ, मैं करता हूँ सेल्स का। अब इसको मुझे नीचे करना है सेल्स का, और वैल्यूज पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो 3 लेवल तक सॉर्टिंग कर गया मैं इसमें, पहले हरीश का, दिल्ली का डाटा, और वो भी सॉर्टेड फॉर्म में, ठीक है जी। फिर फरीदाबाद का ठीक है। डाटा, इस तरह से इनकी सॉर्टिंग चलती है। डेट भी कस्टम, सॉर्टिंग हो सकती हाँ कुछ भी हो सकता है, डेट भी हो है? सकती है। यहाँ पे मैं खाली डेट के बेस पे करना चाहूँ तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आता है, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट आता है, तो ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कर दिया, सारा डाटा सही हो गया, ठीक है, सॉर्ट हो गया। डेट के बेस पे भी हो जाता है, ठीक है जी। ठीक है। अब जो सॉर्टिंग जो हमारी चलती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वैसे आप कर चुकी हैं? हाँ, हाँ जी, किया तो है। तो सॉर्ट में थोड़े से ऑप्शन और होते हैं। कस्टम सॉर्ट में क्या होते हैं, जैसे इसमें पहले मैं नेम लेता हूँ, सॉर्ट ऑन वैल्यूज। दूसरा है सेल कलर, ठीक है जी। मान लीजिए कोई डाटा है, आपने हाईलाइट करके रखा कि इसके डेटा में गड़बड़ हो सकती है, फिर मैंने कहा कि इसके डेटा में गड़बड़ है, फिर मैंने कहा यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है जी। दूसरे कलर से फिर मैंने हाईलाइट कर दिया, मैंने कहा यहाँ कुछ गड़बड़ है, फिर यहाँ कुछ गड़बड़ है, फिर यहाँ, इस तरह से मैंने अलग अलग कलर में मान लीजिए हाईलाइट कर दिया। तो मेरे पास ये पावर है कस्टम सॉर्ट में कि मैं कलर के बेस पे भी सॉर्ट कर सकता हूँ। मैंने किस में किया है, नेम में, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल कलर।
तो अवेलेबल सेल कलर जो है वो आपको यहाँ दिखा देगा। तो मैंने कहा अच्छा पहले ऑरेंज आ जाए, ठीक है। सेम सेल को ही मैं दो दो मेथड लगा के भी कर सकता हूँ, क्योंकि दो कलर है। सिंगल करेंगे तो सिंगल कलर सबसे ऊपर आ जाएगा, टॉप बॉटम कहाँ पोजीशन रखनी ये है आपके पास ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि नेम के अंदर जो है सेल कलर जो है वो येलो वाला टॉप पे ही आ जाए दोनों, तो पहले ऑरेंज वाला टॉप पे आएगा फिर येलो वाला। तो जैसे ही ओके करूंगा तो ये वैसे ही आ गया, ठीक है जी। ठीक है। मान लीजिए अब मैंने कोई इनका वो कलर नहीं चेंज किया, फॉन्ट कलर चेंज किया, तो मैं फॉन्ट कलर के बेस पे भी सॉर्टिंग लगा सकता हूँ। फॉन्ट कलर के बेस पे किसमें लगाया मैंने, सिटी में फॉन्ट कलर, और फॉन्ट कलर जो भी होगा वो अवेलेबल वो दिखा देगा, दो दिखा रहा है ऑटोमेटिक और रेड। मैंने कहा रेड वाला टॉप पे कर दिया इसने, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका सेल अगर हम इसमें आइकॉन। कलर हाँ जी, कलर अगर हम चेंज करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा या उधर ही ऊपर ही रहेगा? नहीं सॉर्टिंग तो ऐसा होता है ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो है नहीं, सॉर्टिंग है। तो सॉर्टिंग एक ही बार हो जाती है बस, अगर आप चेंज अच्छा, करेंगे तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है जी। नहीं दोबारा तो करना पड़ेगा। जैसे ऊपर रेड मार्क हुआ हुआ है तो रेड मार्क जैसे हटा दिया तो वो नीचे अपने आप आ जाएगा या उधर ही उसी पोजीशन नहीं आएगा वो वहीं का वहीं रहेगा, पर नहीं रहेगा ना? ठीक हाँ अगर आप लाना चाहते हैं तो दोबारा आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी सॉर्ट। ठीक है। इसके बाद एक चीज होती है, जैसे मेरी सेल्स है, अब मैंने इसमें क्या लगा दी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने पढ़ा होगा सेल आइकॉन्स, तो मैंने आइकॉन लगा दिया, ठीक है जी। तो मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि जो मैं इनको इनके आइकॉन के बेस पे भी सॉर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ सेल्स, और यहाँ पे मेरे पास है सेल आइकॉन। अवेलेबल वाले जितने भी आइकॉन है वो यहाँ दिखा देगा आपको। मैंने कहा मैं साएं राइट वाले सबसे ऊपर रखना चाहता हूँ, ठीक है जी। देन एड लेवल किया मैंने और सेल आइकॉन, फिर एक्सक्लामेशन को टॉप पे, मतलब वो इसके बाद ये आ जाएगा। राइट के बाद। हाँ और क्रॉस तो आएगा ही आएगा, उसके बाद तो बचा ही क्रॉस है, वो अपने आप हाँ आ जी, जाएगा। तो आप देख सकते हैं डाटा में उसी तरह से आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी, ठीक है जी, उसी तरह से आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी। तो सेल कलर के बेस पे भी सॉर्टिंग हो जाती है। ठीक है। देन अगर मैं ये कहूं कि जैसे हमारे पास डेट है, डेट वाइज सॉर्टिंग तो आपने देखी, अब मंथ वाइज हाँ जी, सॉर्टिंग कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ जनवरी फरवरी होता, मेरा मंथ निकाल लिया, मेरे पास एक फॉर्मूला है तो मैंने इसका मंथ निकाल लिया, किससे, टेक्स्ट। टेक्स्ट का फॉर्मूला आपको कस्टम फॉर्मेटिंग कस्टम नंबर फॉर्मेट में बताया होगा सर ने, तो टेक्स्ट में मैं इसको डालूंगा और इसका फॉर्मेट में जो भी टाइप करूंगा वो टेक्स्ट दे देगा MMM। तो ये क्या करेगा, मुझे मंथ नेम दे देगा इनके। अब अच्छा मैं इसमें चाहता हूं कि जो मेरा मंथ है मंथ वाइज सॉर्टिंग हो, मतलब जनवरी ऊपर आए फिर फरवरी नीचे आए फिर मार्च ऐसे आए, बट अगर मैं इसमें सॉर्टिंग करता हूं तो क्या आएगा, ठीक है जी। जेड टू है, ए टू जेड कर लेता हूं, तो हो क्या रहा है इधर, पहले आया अप्रैल देन आया अगस्त। तो कोई तरीका है क्या ऐसा जिससे मैं जनवरी फरवरी में ऐसा कुछ करके ला सकता हूं, बताइए कोई है आपके पास तरीका। अल्फाबेटिक वाइज नहीं। अच्छा अल्फाबेटिक तो मैंने कर ही रखा है ना, अप्रैल के बाद अगस्त आ गया, अगस्त के बाद दिसंबर आ रहा है,
है कोई जुगाड़ इसका? जी सर। है कोई तरीका इसका? पता नहीं। अब वापस कस्टम शॉर्ट में चले जाइए, इसका भी ऑप्शन है आपके पास। शॉर्ट आपको वैल्यूज के बेस पे ही करना है, ये जो ऑर्डर है ना यहाँ पे आ हाँ जाइए। जी। और कस्टम लिस्ट के बारे में तो आप जानती हैं, बस उसको चूज कर लीजिए यहाँ से। ठीक है जी, तो जिस ऑर्डर में होगा वो उस ऑर्डर में ठीक। सॉर्ट हो जाएगा। अब इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, देखिए जनवरी फरवरी में मैंने यूज कर लिया। मान लीजिए कि अब मेरा ये मेरे पास एक लिस्ट थी, एक कैसी लिस्ट थी संदीप प्रदीप, मैं डाउनलोड इससे कस्टम लिस्ट से ही लाया था ना, इनको भी मैं कर सकता हूँ कि लिस्ट में कैसा था, कस्टम लिस्ट और ये रहा। तो जिस पैटर्न में ये बना हुआ है उस हिसाब से संदीप सॉर्ट हो जाएगा। जी, मेरी ठीक है जी, ठीक है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए आपकी कंपनी में काफी सारे एम्प्लॉयज हैं, कोई मैनेजर है, कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई जीएम है, तो उसमें क्या होता है कई बार आपको रैंक वाइज सॉर्टिंग करनी पड़े लिस्ट में, है जी। तो आप उनकी डेजिग्नेशन का एक कस्टम लिस्ट बना के रख सकती हैं और फटाक से उनको सॉर्ट किया जा सकता है। तो मतलब जो भी लिस्ट आपने सॉर्ट करनी है आप उसको एक सैंपल दे दीजिए कस्टम लिस्ट को, कि ऐसा होना चाहिए, वो आपको सॉर्ट करके दे देगा। ठीक है जी, तो ठीक है। ये था हमारा सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट सॉर्टिंग। अब बात करते हैं फिल्टर के। तो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हमने जाना है कि डेट कैसे वर्क करती है। डेट एक डिफरेंट फॉर्मेट है, टेक्स्ट एक डिफरेंट फॉर्मेट है, नंबर एक डिफरेंट फॉर्मेट है। तो जब सबके अंदर इसके लिए कुछ ना कुछ है, तो फिल्टर के अंदर भी इसके अंदर कुछ है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ शॉर्टकट्स की, कि इस फिल्टर का शॉर्टकट क्या होता है। तो आपका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है जी, कंट्रोल ठीक शिफ्ट है। एल से आप लगा सकती हैं, हटा सकती हैं। दूसरा शॉर्टकट है ऑल्ट ए टी। ठीक है जी, क्योंकि डाटा के अंदर फिल्टर यहां से, तो ए डाटा के लिए और टी फिल्टर के लिए। ठीक है जी, दूसरा शॉर्टकट, तीसरा शॉर्टकट आप यहां से भी देख सकते हैं अपना, यहां से होम रो से कैसे जाएगा, ऑल्ट एच एस एफ, ऑल्ट एच एस एफ। तीसरा मैंने यहाँ क्विक लिस्ट में भी ऐड कर रखा है, क्विक लिंक्स में भी। तो यहाँ मेरे लिए एक और शॉर्टकट है ऑल्ट फाइव। ठीक है जी, ऑल फाइन। ये मैंने ऐड कर रखा है ना क्विक लिंक्स के बारे में, आपको पता है कहाँ से ऐड करते हैं? नहीं सर, अच्छा, क्विक लिंक्स के बारे नहीं में सर, मुझे जब आपको कस्टमाइजेशन बताया होगा उस दौरान मैं आपको बताया होगा। तो कस्टमाइजेशन में ये जो आपके दिख रहे हैं ये है क्विक लिंक्स। ठीक है जी, तो जैसे ये फिल्टर है मैं हटा दिया, मुझे फिल्टर दोबारा यूज करना है, मैं क्या करूँगा, होम के अंदर जाऊँगा, डाटा के अंदर चला जाता हूँ। डाटा के अंदर है ना फिल्टर, डाटा के अंदर आपको मिल जाएगा फिल्टर, जिसको मैंने ऐड कर लिया तो ये बस आ गया क्विक जी लिंक्स जी में। बताइए सर। हाँ अच्छा, तो याद रख लीजिए कोई भी शॉर्टकट यहाँ आपको क्विक लिंक्स में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पेस्ट एज ठीक वैल्यूज को ऐड किया हुआ है और फिल्टर को ऐड किया हुआ है। ठीक है जी, तो इसका जो अच्छा। शॉर्टकट होता है वो ऑल्ट की के साथ दबाने के साथ ही क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ऐसे है तो 5 या 4 जिस पोजीशन पे वो पोजीशन चाहिए होती है, बस ऑल्ट के साथ। ठीक है जी, ठीक है। देन अब देखते हैं डेट, डेट फिल्टर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है डेट फिल्टर लिखा हुआ। ठीक है जी, डेट में टेक्स्ट में करेंगे तो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट फिल्टर।
और नंबर होंगे आपके फिल्टर पे, तो आपका नंबर फिल्टर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये तीन तरह के फिल्टर आपके लिखे हुए आते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इनके पास अलग अलग ऑप्शन है हर एक चीज का। तो सबसे पहले मैं ठीक शुरुआत करता हूँ टेक्स्ट फिल्टर से। टेक्स्ट फिल्टर में क्या होता है कि ये तो नॉर्मली आपको पता है कि कैसे करेंगे, यहाँ पे ये तो क्लिक करेंगे या फिर जो भी दो तीन सिलेक्ट करने हैं उस हिसाब से कर लेंगे, फिर ओके कर देंगे तो सिर्फ इतने सिलेक्टेड आ जाएंगे, तो इस हिसाब से ये चलता है। बाकी इस पे चलते हैं टेक्स्ट फिल्टर। ठीक है, टेक्स्ट फिल्टर से पहले हमने अगर कलर यूज करे हैं तो फिल्टर बाय कलर भी कर सकते हैं, ऊपर ये ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे हमने सॉर्ट बाय कलर करे थे ना, सेल कलर, तो हम सॉर्ट बाय इससे भी कलर भी कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल कलर्स होंगे वो आ जाएंगे। कलर, फॉन्ट कलर अपने आप आ जाएगा, जो भी उसमें अवेलेबल होगा उसके अंदर कलर का ऑप्शन उसमें आ जाएगा, अगर आपने फिल्टर ठीक करना है। है तो। ठीक है, तो वो डाटा आपका फिल्टर हो जाता है। सिलेक्ट ऑल, ओके। टेक्स्ट के अंदर देखते हैं, टेक्स्ट फिल्टर के अंदर पहला है इक्वल्स। ये इक्वल जो है वो डेट और नंबर तीनों में कॉमन है। ठीक है जी, मैंने कहा कि उनको फिल्टर करिए जिन जो वैसे अवेलेबल वैल्यूज आपको यहाँ पे भी दे देगा कि उसमें क्या क्या है। तो ये नॉर्मल सा है जिसमें मैंने सिलेक्ट कर दिया कि जो इक्वल टू सुजीत है वो सिलेक्टेड हो जाए, तो वही फिल्टर हो गया मेरा। दूसरा इसी के अंदर ऑप्शन है इक्वल्स में, ये एंड और का। ठीक है जी, एंड और का क्या ऑप्शन है कि मान लीजिए आपको दो वैल्यू सिलेक्ट करनी थी यहाँ, एक सुजीत और एक मैं कर देता हूँ इक्वल्स टू संदीप। ठीक है जी, ये तो लॉजिकल कंडीशन है, मतलब ये जो फिल्टर है वो हर एक सेल के ऊपर अप्लाई होता है। अब हमें इन दोनों का डाटा चाहिए तो हमने और क्यों लिखा, एंड क्यों नहीं लिखा? ठीक है जी, और इसलिए लिखा क्योंकि ये एक ही सेल पे अप्लाई होता है, या तो उसमें सुजीत हो सकता है या संदीप हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है। ये मेरी कंडीशन है। तो जहां मैं लगा रहा हूं, एक सेल की बात कर रहा हूं, तो मेरा और का लगेगा, एंड कहां लगेगा? जब मैं कहता हूं कि ये वैल्यू 10 से बड़ी और 50 से छोटी होनी चाहिए, तो मतलब एक ही सेल को ध्यान में रखते हुए मैं ये बात कह रहा हूं ना कि 10 से बड़ी हो और 50 से छोटी हो, यहां मैं और का यूज कर रहा हूं, मतलब हिंदी वाले और का, तो वो एंड लगता है उस जगह। ठीक है जी, जब मैं इसे ओके करता हूं तो आप देखेंगे कि दोनों का ही डेटा आपके सामने यहाँ अवेलेबल है। ठीक है जी, अगर मैं इसमें एंड सिलेक्ट करता तो नहीं चलता है। फिर चलते हैं डज नॉट इक्वल टू। कोई डज नॉट इक्वल टू की मतलब इसके बराबर ना हो, कोई इसमें भी हरीश, ये कंडीशन हाँ इसमें भी एंड और है, आप चाहे तो चूज कर सकते हैं वरना जरूरत नहीं पड़ती कि उन दोनों के ही ठीक। बराबर ना हो। हालांकि ये काम हम लोग यहां से चेक करके कर लेते हैं। अब जो अलग ऑप्शन क्या है इसमें, बिगिंस विद। बिगिंस विद मैंने ये कहा कि मैंने कहा जितने भी जो नाम है जो वो एस से जो शुरू हो रहे हैं वही आने चाहिए। तो मैंने जब ओके किया तो एस से शुरू होने वाले नाम जो हैं वो फिल्टर हो चुके हैं, तो खाली यही दो नाम है हमें दोनों का, संदीप सुजीत का ही नाम खाली एस से शुरू हो रहा है, तो बिगिंस विद में वो आता है। बिगिंस विद के अंदर एक इनिशियल नहीं, आप पार्शियल भी दे सकते हैं कि मतलब इतना ये हो स्टार्टिंग में, कोई भी एक टेक्स्ट स्ट्रिंग जो स्टार्टिंग में होता है। ठीक है जी, ठीक है। देन और क्या कर सकते हैं इसमें, आता है एंड्स विद। एंड में क्यों क्या होना चाहिए, मैंने कहा एच हो। ठीक है जी, तो जिसके नाम के अंत में एच होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, हरीश, महेश,
ठीक इन्हीं दोनों के है। ठीक है जी, ये हो गया एक, तो हमने देखा बिगिन विद एंड विद, और एक है कि कहीं भी हो सकता है, कंटेन्स। मैंने कहा जिसके नाम में डबल ई हो वो आ जाए। ठीक है जी, मतलब ये स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंड में हो सकता है। तो संदीप, सुजीत, बस यही दोनों। ठीक है जी, तो कोई भी एक स्ट्रिंग इसके अंदर कंटेन्स के अंदर आ सकती है। डज नॉट कंटेन्स मतलब जिसके नाम के अंदर ये ना हो, तो उसको छोड़ के बाकी डेटा दिखा दे, जहां वो हो उसको छोड़ के बाकी सारा डेटा। तो इसने एज इट इज वैसे ही फिल्टर कर दिया। देन देखते हैं इसमें, फिर कस्टम फिल्टर आ जाता है, विंडो वही खुलेगी। इसमें आपके बहुत सारे और भी ऑप्शन है जो ये पूरे खुलते हैं, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, लेस देन। ये कस्टम ऑटो फिल्टर के नाम से फील्ड आती है, ये खाली टेक्स्ट पे नहीं रहती। और जब हम टेक्स्ट का खोलेंगे, डेट का खोलेंगे ना, तो ये सारे अलग अलग आते हैं, पर इसमें एक साथ ही दिखाता है, सारे ऑप्शन इकट्ठे ही होते हैं। तो कोई भी चूज करके अपना काम ले सकते हैं। डज नॉट बिगिन विद, ठीक है जी, डज नॉट एंड विद, अलग अलग तरह की कंडीशन है, आप देख सकते हैं। रेफरेंस के लिए इसको एक बार देख लीजिएगा। देन बात करते हैं डेट फिल्टर की। डेट फिल्टर में क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो दिखाता है आपको ईयर्स दिखाता है, अगर आपकी डेट सही फॉर्मेट में है तो। इसके आगे प्लस का साइन दिखाता है, तो इस ईयर के अंदर कितने मंथ है वो भी दिखाता है। ठीक है जी, मंथ के आगे भी प्लस का साइन है, तो इसके अंदर कितनी डेट्स हैं वो भी दिखा रहा है। तो आप यहां से मल्टीपल सिलेक्शन कर सकती हैं, जैसे कि किसी फाइनेंशियल ईयर का डेटा चाहिए, सपोज हमें चाहिए 2000 अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक का डेटा चाहिए। अप्रैल 2013 से, तो ये 2013 वाले पे यहां क्लिक कर दिया मैंने, ऊपर से तीन हटा दिए, अप्रैल 2013 का डाटा सिलेक्ट हो गया मेरा। अब मैं आ जाता हूँ 14 पे, 14 में मैंने क्या करना है, ऊपर वाले जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, ये तीन सिलेक्ट कर लिए, ओके किया, तो एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है जी, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया कि ये तो मैनुअल करने के लिए, हालांकि ये सारे ऑप्शन आपके डेट फिल्टर में अवेलेबल है। इक्वल वही होता है कि कोई डेट आप चूज कर लीजिए इसमें से कि जो इस डेट के बराबर हो। ठीक है जी, बिफोर मतलब इससे पहले की सारी, तो 2001 से चालू किया है मैंने, तो मैं कह देता हूं कि 1 जनवरी 2 से पहले की डेट दिखाए। तो 1 जनवरी 2 के पहले की डेट्स इसमें यहां दिखा देंगे। इसी तरह से आपका आफ्टर है कि मतलब इसके बाद की डेट्स दिखाए, तो कोई भी डेट चूज कर सकते हैं, 12 जनवरी 20 उसके बाद की डेट दिखा रहा है। देन आपके बिटवीन, अब देखिए बिटवीन में मैंने जैसा कि बताया था एंड सिलेक्टेड है, तो इसमें दो कंडीशन आ रही है, इज आफ्टर और इक्वल टू, और इज बिफोर और इक्वल टू। ठीक है जी, मतलब पहली तारीख के बाद और दूसरी तारीख से पहले। ठीक है जी, 12 जनवरी 20 से 1 फरवरी 20 तक का डेटा ये दिखा रहा। ठीक है। टुमारो आने वाले कल के बारे में अगर डेट होगी तो दिखा देगा, टुडे आज की डेट अगर होगी तो वो भी फिल्टर कर देगा, यस्टरडे बीते हुए दिन की, 30 सितंबर था ना डेट है तो दिखा रहा है। मान लीजिए ये फाइल आप यहीं सेव करके इसी फिल्टर के साथ छोड़ देते हैं, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जब आप फाइल खोलेंगी तो ये डेट नहीं दिखाएगा, आज की डेट दिखाएगा।
ठीक है, यस्टरडे ओके क्या है? यस्टरडे क्योंकि एक फॉर्मूला से लिंक्ड है, टुडे अच्छा यस्टरडे। हाँ, इसी तरह से हम लोग जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट करते हैं ना, तो हम इस फिल्टर को भी थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं इनकी वजह से। टुडे टुमारो के फीचर इसीलिए दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है जी। टुडे मतलब आज का ही, आज की डेट होगी तो दिखाएगा, कल खोलेंगे तो कल की डेट होगी तो दिखाएगा, इस तरह से। अच्छा नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते की डेट्स, तो ये है अगले हफ्ते वाली डेट, 10 अक्टूबर दिखा रहा है। मतलब ये जो हफ्ता चल रहा है, इससे अगला जो हफ्ता आएगा उसकी डेट दिखा रहा है, कि अगर कोई हो तो। ठीक दिस वीक, इस हफ्ते में से कोई डेट, तो ये 30 सितंबर दिखा रहा है कि इस हफ्ते की ही डेट है। लास्ट वीक, बीते हुए हफ्ते की कोई डेट नहीं है, तो ये दिखा भी नहीं रहा। नेक्स्ट मंथ, आने वाले महीने की डेट्स, दिस मंथ, इस महीने की, इसी तरह से आपकी लास्ट मंथ है। नेक्स्ट क्वार्टर, आने वाला क्वार्टर। क्वार्टर आपके कौन कौन से होते समझ। हैं? हाँ, वो 4 क्वार्टर होते हैं ना आपके, 3 3 महीने के। तो नेक्स्ट दिस लास्ट क्वार्टर, उसके लिए नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर लास्ट ईयर, ये भी उसी तरह से। ईयर टू डेट का एक फंक्शन है। ईयर टू डेट क्या है कि मतलब 1 जनवरी 14 से, ये साल जब से शुरू हो रहा है तब से लेकर आज की डेट तक का डेटा, ठीक है जी। जो आज से आगे की डेट्स होंगी उनका डेटा नहीं दिखाएगा, जैसे 30 सितंबर दिखा रहा है लास्ट, और कोई है नहीं, अच्छा ठीक है जी। फिर है आपके पास ऑल डेट्स इन पीरियड क्वार्टर वन। अब इस क्वार्टर वन में क्या फर्क है कि इसमें दिस क्वार्टर लास्ट क्वार्टर इस तरह से नहीं। मान लीजिए 20 साल का डेटा है, तो जो 20 क्वार्टर होंगे ना, जनवरी फरवरी अप्रैल, हाँ, उनका डेटा दिखाएगा। मतलब अच्छा, फर्स्ट जनवरी क्वार्टर, का। हाँ, फर्स्ट क्वार्टर का ठीक डेटा दिखाएगा ठीक जी, ठीक है जी। इसके ऑल डेट्स इन पीरियड के अंदर सारे ऑप्शन इसी तरह चलते हैं, मंथ वाइज भी, जनवरी हर साल की जनवरी, ठीक है जी। तो ठीक है। ये था आपका डेट फिल्टर। देन देखते हैं नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में कुछ खास नहीं होता, बस थोड़ा सा लॉजिकल होता है। जैसे नंबर फिल्टर में इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू सेम है, ग्रेटर देन करते हैं जो हम, ग्रेटर देन लेस देन, ये सब चलता है इसके अंदर। ग्रेटर देन ठीक है। 15, 15 से बड़ी वैल्यू, ठीक है जी। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या फर्क है पता है आपको? सर वो यही हो गया कि उससे ग्रेटर देन और जो वैल्यू लिखी गई है उसी वो भी वैल्यू हो साथ में। हाँ बिल्कुल, इंक्लूडेड दैट वैल्यू। लेस देन और लेस देन इक्वल टू भी वैसे ही है, उससे छोटी हो या उसके बराबर हो, ठीक है जी। बिटवीन कोई रेंज दे सकते हैं, मैं कह देता हूँ 40 से 50 की वैल्यू दे दो, 40 से 50 के ठीक बीच का डेटा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। बिटवीन में टॉप 10, टॉप 10 का मतलब ये नहीं कि टॉप 10 ही आएंगी, टॉप 20 भी कर सकते हैं। टॉप एंड बॉटम दो रूल है, तो टॉप मैं कह देता हूँ, टॉप 10 आइटम्स जब मैं कहता हूँ, यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, टॉप 5 भी कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, तो ये मुझे टॉप 5 आइटम्स दिखा रहा है। तीन, आइटम्स एंड परसेंटेज, परसेंटेज जब मैं सिलेक्ट करता हूँ, 10% ऑफ द डाटा,
10% ऑफ द डेटा, मतलब 700 सेल है तो 70 सेल आपको दिखाएगा कम से कम, ठीक है जी। अपने आप परसेंटेज लगा ले। हाँ मतलब 10% ऑफ डेटा, पर इतने अच्छा परसेंट ऑफ ठीक है। डेटा आपको दिखाएगा ये टॉप 10 और बॉटम 10%, यहाँ से आइटम्स और परसेंट चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। बॉटम 10% मतलब सबसे छोटे वाले 10%, तो ये ऑब्वियसली ज्यादा ही होंगे, मतलब वैल्यूज उतनी ही रहेंगी, आइटम्स उतने ही रहेंगे आपके, ठीक है जी। बाकी नंबर में अबव एवरेज है, एवरेज से अबव वाले, एवरेज जैसे 10 से 9 90 के बीच की वैल्यू है, तो इनकी एवरेज जितनी लग रही होगी, एवरेज से बड़े कितने हैं, अबव एवरेज, उसी तरह है बिलो एवरेज, एवरेज से छोटी कितनी है वो डाटा दिखा देगा, ठीक है जी। तो ये था आपका फिल्टर, सॉर्टिंग एंड फिल्टर, ठीक है जी। ठीक है। फिल्टर में एक चीज और बता देता हूँ आपको, एक होता है हमारे पास एडवांस फिल्टर, ये हमारा डेटा के अंदर होता है एडवांस फिल्टर, ठीक है जी। अच्छा मैं इस फिल्टर को हटा देता हूँ, वो एडवांस फिल्टर में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे साथ, जैसे जितनी भी कंडीशन मैंने लगाई वो मैंने यहाँ फिल्टर के अंदर जा जा के लगाई, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनको ले लेता हूँ, दो फील्ड को यहाँ नाम लिख देता हूँ, और ये वैल्यूज इनमें सप्लाई कर देता हूँ, ठीक बोलते ना हियरिंग। ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने अप्लाई किया, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, कुछ वैल्यूज हैं, या फिर मैं इसको कर देता हूँ सेल्स ग्रेटर देन 50, संदीप का डाटा जिसकी सेल्स ग्रेटर देन 50 है, ये इस तरह से मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में ही इसे चाहिए होता है, ग्रेटर देन 50, लेस देन के लिए लेस देन 50, इसे चाहिए होता है टेक्स्ट में, ठीक है जी। तो मैं अब क्या करता हूँ, एडवांस फिल्टर पे जाता हूँ, डेटा इसने सेलेक्ट कर लिया है, मैं चाहता हूँ कि यहीं फिल्टर करे कि कहीं और ले जाए, ठीक है जी। तो दो ऑप्शन मेरे अवेलेबल है, तो फिलहाल मैं यहीं पे फिल्टर कर रहा हूँ। क्राइटेरिया क्या है मेरा, क्राइटेरिया पे जब मैं क्लिक करूंगा और इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लूंगा, क्राइटेरिया इसे चाहिए फील्ड के साथ में, मतलब ऊपर हेडिंग के साथ में, अच्छा ठीक है जी। अब जब मैं ओके करूंगा तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, मतलब जहां संदीप और ग्रेटर देन 50 रिजल्ट है, वो आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ठीक है जी। दूसरा भी क्राइटेरिया मैं यूज कर सकता हूँ, सुजीत लेस लेस देन 50, ठीक है जी। दो क्राइटेरिया यूज कर लिए मैंने, तो मैं ये क्या कर देता हूँ, क्राइटेरिया रेंज इसकी चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। ऐसे क्राइटेरिया बढ़ा सकती हैं, फील्ड भी कितनी भी लगा सकती हैं, ठीक है जी। अब ओके करता हूँ, तो उस हिसाब से डेटा इसने सॉर्ट कर दिया। अब सुजीत का डेटा आप देखेंगी लेस देन 50 वाला है, ठीक है। अच्छा ठीक है जी। ये वो यहीं के यहीं फिल्टर ही हो रहा है आपके, ये एडवांस फिल्टर है। इस फिल्टर के और भी मोड हैं, एक तो हो गया कि हमने यहीं के यहीं फिल्टर कर दिया, दूसरा हमें कॉपी करके दूसरी जगह ले जाने हैं, ये डाटा कॉपी करके फिल्टर में मोस्टली यही करते हैं हम, एडवांस फिल्टर पे गए, दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे कॉपी टू अनदर लेके लोकेशन, तो लोकेशन देनी पड़ेगी कहाँ कॉपी करके ला। मैंने कहा यहाँ एल में मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, यहाँ डाल दे, ठीक है जी। ओके कर दिया, तो ये क्राइटेरिया का डेटा इसने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कि नेक्स्ट शीट में और या नेक्स्ट किसी और फाइल में भी कर सकते हैं ये। मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते, बट आप कह रही हैं देख लेते हैं, वैसे मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया इतना, मैंने जानता हूँ क्योंकि इनकी जरूरत नहीं पड़ती मुझे, देख लेते हैं वैसे।
कॉपी टू में मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ। ठीक है जी, ओके। तो इसको नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ठीक सोचा था। नहीं हाँ नहीं कर सकते, वो सेम शीट पे आप कर सकते हैं, पर यहाँ कॉपी पेस्ट करने से तो अच्छा है ना कि अलग लिस्ट मिल जाए, इसको कट करके डाल दो, है ना। क्योंकि यहाँ पे जब आप कट करती हैं, कई बार पिछला भी डेटा कॉपी हो जाता है, मतलब जो फिल्टर के अलावा पीछे होता है, तो एरर आने के चांसेस होते हैं। तो इसके केस को आप यूज कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज मैं कर सकता हूँ कि किसी वैल्यूज को मुझे यूनिक में डाल जानना है, यूनिक बनानी है लिस्ट, कि उसके अंदर क्या क्या डाला है मैंने। मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडवांस फिल्टर को यूज किया, अब मैं थोड़ा सिलेक्शन इसका चेंज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ खाली एक कॉपी टू अनदर लोकेशन, कहाँ करूंगा, यहाँ करूंगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, ओके, व्हाट डज इट मीन, वन सेकेंड, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरे ख्याल से पूरे डेटा के इन्फ्लुएंस में है, इस कारण से नहीं ले रहा। तो यहाँ मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी टू अनदर लोकेशन किया, कॉपी टू में मैंने डाल दिया, यहाँ पेस्ट कर दे, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे क्लिक किया, ओके, ओके। यहाँ ले नहीं रहा है, और मोस्टली आपका ले लेता है ये डेटा। आपका क्या करेगा, ये वाला काम करेगा जो हम रिमूव डुप्लीकेट से करते हैं ना, यहाँ से कॉपी करके और रिमूव डुप्लीकेट से आपको इस तरह की लिस्ट देगा। इनको मैंने प्रोग्रामिंग में यूज किया है, मोस्टली आप ट्राई करेंगे चल जाएगा, ये ऐसे ही चलता है। ठीक है जी, कई बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, हमारी भी नहीं समझ आती, पर आपका सेम काम अभी इसी क्या तरह। प्रॉब्लम आ रही है आपको, क्या लग रही है? मेरे एक्सेल थोड़ी सी स्पेशल है, इसमें मेरी एक्सेल में ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसको मतलब मेरा समझ पाना मुश्किल होता है। एक्सेल लगा तो अपना अलग बनवाया है। नहीं ऐसा है ना कि मैं इतने पंगेबाजी करता हूँ एक्सेल में कि क्या कहाँ से कब चेंज हो गया मुझे पता नहीं पड़ता, क्योंकि तो मैं वीबीए पे काम करता हूँ, तो 50 सेटिंग कहाँ से कहाँ क्या चेंज हो जाती है, कौन सी डीएलएल फाइल उड़ जाती है मुझे भी नहीं पता रहता, तो एक्सेल मुझे बदलते रहना पड़ता है, क्योंकि एक्सेल की जान निकाल देता हूँ मैं कर कर। अच्छा। तो